आज जब सर से मिले तो हम सब ने पूछा कि सर आप कैसे हैं, आपका हेल्थ तो ठीक है, आप कैसे हैं? उन्होंने कहा कि मेरी चिंता छोड़ो, ये बताओ कि जनता कैसी है। उन्होंने पूछा कि क्या जनता को फ्री में जो बिजली मिल रही थी वो कंटिन्यू है, मिल रही है। उन्होंने पूछा कहीं बिजली कट तो नहीं, पावर कट लग तो नहीं रहे। उन्होंने पूछा कि अस्पतालों में जो दवाइयां मिल रही थी क्या वो दवाइयां अभी भी मिल रही है। उन्होंने पूछा कि बसों में जो यात्रा हो रही थी फ्री में महिलाओं को, क्या वो अभी भी कंटिन्यू है। उन्होंने सारी चीज़ें पूछी कि दिल्ली का हाल कैसा है, जनता कैसे है, और हमने एक एक चीज़ उनको बताया। उन्होंने ये भी कहा कि अगले हफ्ते से वो दो दो मंत्रियों को बुलाएंगे और दो दो मंत्रियों को बुलाकर दिल्ली के सारे कामों का रिव्यू करेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैं सभी विधायकों से मिलूं और सभी विधायकों से मिलकर उनको ये कहूं, उनका केजरीवाल साहब का ये मैसेज उनको दूं कि वो अब अपने गली गली में, घर घर में, अपने एरिया में जाके जनता से मिले। किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, किसी को कोई दुख नहीं होना चाहिए। आज तक जितनी सेवा करते आ रहे थे उससे 10 गुना ज़्यादा सेवा करना है। उन्होंने ये भी कहा कि वो जल्दी बाहर आएंगे और जब भी वो बाहर आए, जो 1,000 रुपये प्रति महीना सभी महिलाओं को देने का वो वादा और बजट पास जो उन्होंने किया है उसको वो पूरा करेंगे। मतलब पूरे समय वो सिर्फ यही पूछते रहे कि दिल्ली की जनता कैसी है, जनता कैसे है, जनता में क्या चल रहा है, सब सुखी तो है ना।